हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेज क्रॉप के इम्पॉर्टेंट पेस्ट, यानी मेजर पेस्ट ऑफ मेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की PDF या फिर PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें ताकि आपको वहाँ पर हमारे क्विजेस और हमारे चैनल के अपडेट्स, लेक्चर्स की अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और हमने एक ऐप बनाया है, GFA एजुकेशन ऐप, जहाँ पे आपको कंप्लीट 4 ईयर के जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, बुक्स वगैरह जो भी अवेलेबल कराई गई हैं इंटरनेट पे फ्री, वो हमने एक जगह मर्ज कर दिया, तो आप उसे भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों का हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। और जो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है माइनर पेस्ट ऑफ वीट। हमने मेजर पेस्ट ऑफ वीट डिस्कस किया था, माइनर पेस्ट ऑफ वीट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो आप उनके नेम्स देख लें, एफिड्स, हॉपर्स, जैसिड्स, वीट बग, वीट थ्रिप्स, कटवॉर्म्स, पिंक बोरर्स, सूट फ्लाई, होल मैगोट एंड फ्ली बीटल्स। ये कुछ माइनर पेस्ट हैं जो कि वीट में लगती हैं। आप इनको, इनका नाम याद रखना बस, क्योंकि ऑप्शनल में ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर पेस्ट ऑफ वीट। ठीक है, साइंटिफिक नेम भी कुछ का इंपॉर्टेंट है, आप साइंटिफिक नेम अगर कोशिश करो, आप अगर चीज़ें अगर रट पाओ, मतलब नेम्स अगर आप याद कर पाओ तो बहुत बेटर है, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट का तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, लाइक जैसे एफिड्स बहुत ही कॉमन है, हॉपर्स हो गए, जैसिड्स हो गए, ठीक है, वीट के लिए थ्रिप्स हैं, तो उन उसका नाम आप याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक, यानी आज के लेक्चर का जो डेडिकेटेड टॉपिक है, लाइक मेजर पेस्ट ऑफ वीट क्रॉप, सॉरी मेज क्रॉप। सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस लेक्चर में हम 7 पेस्ट को डिस्कस करेंगे जो कि मेज के मेजर पेस्ट हैं। फर्स्ट इज़ द मेज सूट फ्लाई, सेकंड इज द स्टेम बोरर, थर्ड इज़ द पिंक स्टेम बोरर, फोर्थ इज़ कॉर्न वॉर्म या फिर जिसको हम लोग ईयर वॉर्म भी कहते हैं, फिफ्थ इज़ द वेब वॉर्म, सिक्स्थ इज़ द एफिड एंड सेवन्थ इज़ द सूट बग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट पेस्ट के साथ। तो जो सबसे पहला पेस्ट है वो है मेज सूट फ्लाई, जो बिलोंग करता है ऑर्डर टिप्टेरा से। आप सबसे पहले इस सूट फ्लाई को देखो, ये बेसिकली फ्लाई की तरह दिखता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, बेसिकली इंडिया के हर पार्ट में, हर रीजन में ये ज़्यादा इन्फेस्टेशन करता है। ठीक है, होस्ट रेंज अगर बात करें तो जैसे मेज तो है ही, मेज के साथ साथ सॉर्गम क्रॉप, रागी एंड बाजरा पे भी ये लगता है। डैमेज सिम्टम्स इंपॉर्टेंट इज़ द डेड हर्ट। ठीक है, डेड हर्ट सिम्टम हमने शुगर केन में भी देखा था। ठीक है, हम जानते हैं शुगर केन का जो एक मेजर सिम्टम आता है, यानी मेजर डैमेज जो होता है वो होता है डेड हर्ट। इसमें बेसिकली होता क्या है, मतलब इनसे क्या करते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं वो लार्वा क्या करते हैं, वो फीड करते हैं इनके जो मेन क्या कहते हैं, इनका जो मटेरियल है, जो इनका सेल है, जो इनका फ्लूइड है स्टेम रीजन में, उनको सक करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, द मैगोट फीड ऑन द यंग एंड ग्रोइंग सूट रिजल्टिंग इन द डेड हर्ट्स। डेड हर्ट को हम कैसे पहचानेंगे, जो जहाँ पे डेड हर्ट होगा वो ड्राई हो जाएगा, रेड ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है, और लाइट कलर का, यानी कम्प्लीटली वो ड्राई दिखेगा। इनको पहचानना कैसे है, तो बायोनॉमिक्स क्या है, स्मॉल ग्रे कलर्ड फ्लाई होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इनके मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यानी रेजिस्टेंट कल्टीवर्स को ग्रो करें, जैसे DMR5, NCD। ठीक है, फर्रो एप्लीकेशन ऑफ 48 ग्रैन्यूल्स 10G एट द रेट ऑफ 10 kg पर हेक्टेयर और लिंडेन 6G एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा कि मेज सूट फ्लाई क्या होता है और कैसे इनसे बचाया जा सकता है क्रॉप को। सो द नेक्स्ट पेस्ट इज स्टेम बोरर, ये बिलोंग करता है ऑर्डर लैपिडोप्टेरा से। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये स्टेम में क्या करेगा, बोर करेगा, यानी छेद करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इराक, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं एशिया के हैं, जापान, युगांडा, ताइवान, सूडान, नेपाल, बांग्लादेश एंड थाईलैंड। इसमें कुछ कंट्रीज़ जो हैं, बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड की हैं, ठीक है, नॉर्दर्न ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे इनका इन्फेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। होस्ट रेंज अगर देखें मेज के साथ साथ ज्वार, बाजरा, शुगर केन एंड राइस, ठीक है, ये इनके सेकेंडरी होस्ट हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अदर होस्ट हैं साथ साथ मेज के। ठीक है, अगर जब इसका मतलब ये हुआ कि मेज अगर नहीं है तो इन पे भी ये एज अ होस्ट रहते हैं। डैमेज सिम्टम बात करें तो बेसिकली ये जो है इन्फेस्ट द क्रॉप अ मंथ
आफ्टर सोइंग एंड अप टू द इमर्जेंस ऑफ कॉप्स. कॉप्स क्या होते हैं? जो मेज जब छोटे से लगते हैं ना, फ्लावर्स जो कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में, उनको हम छोटे छोटे को क्या कहते हैं? कॉप्स कहते हैं. तो ये क्या करेंगे, जब सोइंग की जाती है और जब इमर्जेंस होता है कॉप का, तब तक ये इन्वेस्टेशन करते हैं. ठीक है, इनका जो मेन सिम्टम है वो क्या है? डेड हर्ट इन द स्टेम. ठीक है, इनका जो टिपिकल सिम्टम है डेड हर्ट कर देना इनके स्टेम रीजन में. ठीक है, साथ साथ बोर होल्स आर विजिबल ऑन द स्टेम नियर टू द नोड्स. जो नोडल रीजन होता है जहाँ पे गांठ प्रेजेंट होती है स्टेम में, वहाँ पे ये बोर होल्स कर देते हैं, यानी आपको बाहर से उस जगह पे होल दिखेगा. ठीक है, यंग लार्वा क्रॉल्स एंड फीड्स ऑन टेंडर फोल्डेड लीव्स कॉजिंग टिपिकल शॉर्ट होल. ठीक है, ये जो है आपको क्या है, लीव्स में शॉर्ट होल्स दिखेंगे. ठीक है, अगर बात करें तो अगर इनके स्टेम को हम जब फाड़ेंगे, यानी जब काट के देखेंगे, वर्टिकली जब काटेंगे, तो उनको उन्हें क्या, इसमें क्या दिखेगा, इंटरनल टनल दिखेगा जिसमें कैटरपिलर्स होंगे. तो ये इनके डैमेज सिम्टम्स हैं. कहने का मतलब है, डेड हर्ट करने के बाद भी जो इनके छोटे छोटे लार्वा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द टनल्स ऑफ द डेड हर्ट, या फिर इन द टनल्स ऑफ द स्टेम. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, नेक्स्ट इज द बायोनॉमिक्स. इनको पहचानते कैसे हैं? एडल्ट मॉथ आर मीडियम साइज स्ट्रॉ कलर्ड. ठीक है, एडल्ट जो होंगे मीडियम साइज के होंगे, स्ट्रॉ कलर्ड होंगे. इट लेज फ्लैट ओवर लेग्स इन बैचेस ऑन दी अंडर सर्फेस ऑफ लीव, यानी एडेक्सल सर्फेस ऑफ लीव्स पे करते हैं, और नियर दी मिड रिब. द फंडिसिटी यानी एग लेइंग कैपेसिटी जो कितनी है, 25 एग्स पर फीमेल ये ले करते हैं. जो नेक्स्ट है यानी इनका बायोनॉमिक्स में पार्ट, वो है इनक्यूबेशन पीरियड. 2 से 5 दिन में ये एग्स जो हैं वो हैच हो जाते हैं और लार्वा निकलता है. लार्वा इज येलोइज ब्राउन. ठीक है, जिसका क्या क्या होता है, ब्राउन हेड होता है. आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लार्वा. ठीक है, येलोइज ब्राउन विथ रेड हेड. ठीक है, ब्राउन हेड. अगर बात करें लार्वल पीरियड जो होता है 28 to 50 डेज का होता है. 7 इंस्टार्स होते हैं, यानी इंस्टार्स क्या, मॉल्टिंग जब करता है तो 7 बार मॉल्टिंग करता है. ठीक है, इट प्यूपेट्स विद इन द स्टीम फॉर 2 to 15 डेज. ठीक है, मतलब जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेता है 2 से 15 दिन का. द एडल्ट लॉन्जिबिटी इज 2 to 12 डेज. जो एडल्ट है यानी जो ये है वो जिंदा रहता है 2 से 12 दिन. अगर इनको कंट्रोल करना है तो सबसे पहला रेजिस्टेंट कल्टीवर्स लगाओ. ठीक है, जैसे हीम 129 है, गंगा 4, 5, 7. ठीक है, एंड 9, मतलब गंगा 4 भी है, गंगा 5 भी है, गंगा 7 एंड 9 भी अवेलेबल है. ठीक है, डेक्कन 101, 103. ठीक है, लबलब बीन या फिर काउपी को हम लगाते हैं एज एन इंटर क्रॉप टू मिनिमाइज द स्टेम बोरो डैमेज. ठीक है, अगर रेशियो बात करें तो लबलब को हम लगाएंगे और मेज को लगाएंगे 1:4 के रेशियो में. ठीक है, सेट अप द लाइट ट्रैप टिल मिडनाइट. हमें रात तक में क्या लगा देना है, लाइट ट्रैप, ताकि इनके जो मॉथ्स हैं उनको हम क्या कर सकें, पकड़ पाएँ. जो स्टेम बोरर के मॉथ्स हैं उनको पकड़ पाएँ, यानी मार पाएँ. ठीक है, इंसेक्टिसाइड का भी हम यूज़ करते हैं. उनको इंसेक्टिसाइड्स को क्या करते हैं, सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं. ठीक है, और फाइनल क्वान्टिटी बनाते हैं 50 kg, और उनको लीफ होल्स के पे क्या करते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं. या फिर साथ साथ 4-8-10G को हम 8 kg, साथ साथ कार्बोफ्यूरिन 3G 17 kg, मतलब 15 kg जो बना रहे हैं सैंड के साथ मिक्स करके, 8 kg हमें यूज़ करना है 4-8, हमें कार्बोफ्यूरिन यूज़ करना है 17 kg, कार्बाइल प्लस लिंडीन हमें यूज़ करना है 20 kg, इंडोसल्फान 10 kg. ठीक है, और स्प्रे इंडोसल्फान 35 EC. ठीक है, 750 ml. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम 500 लीटर ऑफ वाटर में पर हेक्टेयर यूज़ कर सकते हैं. लास्ट जो इसका मैनेजमेंट है वो है कलेक्ट दी स्टबल्स फ्रॉम दी हार्वेस्ट. जो हार्वेस्ट हमने निकाला है, यानी जब हम उससे मेज निकाल लेंगे तो जो हमारा हार्वेस्ट बचा है उसको बर्न कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि उसमें जो भी बोरर्स के लार्वा हैं या फिर जो एडल्ट जो भी हैं मरे हुए भी, जो भी हैच कर सकते हैं जिनमें एग्स प्रेजेंट है, वो सारे ख़त्म हो जाएँ. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेम बोरर. नेक्स्ट इज द पिंक स्टेम बोरर. ये सिमिलर है बोरर्स की तरह, स्टेम बोरर्स की तरह, बस इनमें क्या फीचर है, इनका नाम से ही पता लग रहा है क्या है, पिंक होंगे ये. तो पिंक क्या होता है, इनका लार्वा. आप सामने देख रहे हो उनका जो लार्वा होता है वो पिंक होता है. एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो है एशिया के. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान एंड इंडोनेशिया. होस्ट रेंज सॉर्गम, मेज, राइस, वीट, शुगर केन, बाजरा, रागी एंड ग्यूनिया ग्रास. डैमेज सिम्टम में बात करें तो पिंक लार्वा इंटर्स इनटू द स्टेम कॉजिंग डेड हर्ट सिम्टम सिमिलर टू द स्टेम बोरर्स.
ठीक है, आप देख सकते हो मैं यही बात कर रहा था, ड्राई अप हो जाता है स्टेम, ठीक है, ये डेड हर्ट सिम्टम है। बायोनॉमिक्स, द एडल्ट मॉथ इज स्ट्रॉ कलर्ड, आप देख सकते हो जो एडल्ट मॉथ है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, ठीक है, विथ वाइट विंग्स, आप देख रहे हो। द लार्वा इज पिंकिश ब्राउन, लार्वा इज पिंकिश ब्राउन विथ डार्क हेड। द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 45 to 75 days, देयर आर 4 to 6 जनरेशन पर ईयर, ठीक है, मतलब 5 से 6 बार ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक साल में। मैनेजमेंट, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लगाओ या फिर रेजिस्टेंट कल्टीवर्स लगा सकते हैं, लाइक डेक्कन 101, 103। स्प्रे इंडोसल्फान 35 EC 1 liter पर हेक्टेयर एट एवरी 20 days इंटरवल आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप। ये बहुत ईजी है, सिमिलर टू द स्टेम बोरर्स हैं, तो आप इसे देख लेना, ठीक है, बहुत ईजी है, इसको याद करना कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट इज द कॉर्न वॉर्म, जिसको हम लोग ईयर वॉर्म भी कहते हैं। ईयर क्या, हम ईयर किसे कहते हैं, जो कंप्लीट जिसमें ग्रेन्स लगे होते हैं, यानी जिसमें पूरा क्रॉप, सॉरी जो कॉर्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है, ये बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से। डैमेज सिम्टम बात करें तो लार्वा फीड्स ऑन सिल्क एंड डेवलपिंग ग्रेन्स, ठीक है, यानी ग्रेन जो है उसको मेन डैमेज करेगा। बायोनॉमिक्स, एडल्ट इज ब्राउन कलर्ड मॉथ, आप देख सकते हो एडल्ट को, ठीक है। डल ब्लैक बॉर्डर ऑन दी हाइंड विंग, हाइंड विंग क्या बाउंड्री पे देखो क्या है, डल ब्लैक में बॉर्डर है हाइंड विंग पे, ठीक है। लार्वा इज ग्रीन विथ डार्क ब्रोकन ग्रे लाइंस एंड डार्क पेल बैंड्स, ठीक है। तो ये इसका बायोनॉमिक्स हो गया, इनको पहचानने का तरीका है। अगर मैनेजमेंट बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कार्बाइल 10D एट द रेट ऑफ 25 kg पर हेक्टेयर और स्प्रे कार्बाइल 50% WP 1 kg पर हेक्टेयर इन दी 500 to 600 liter ऑफ वाटर पर हेक्टेयर, ठीक है, इसे मिलाते हैं पानी के साथ। रिपीट दी इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन 15 days लेटर, हर 15 दिन पे हमें इस चीज़ को रिपीट करना होता है। तो ये हो गया हमारा कॉर्न वॉर्म, आप देख सकते हो उनका डैमेज सिम्टम, ये बेसिकली ग्रेन को ही क्या कर रहे हैं, इन्फेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये कम्प्लीटली ग्रेन को ही क्या करते हैं, खा जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेब वॉर्म, इसका नाम वेब क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। ये जो है बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से। डैमेज सिम्टम क्या है, फर्स्ट फीड्स ऑन द लेमा। अब यहाँ पर लेमा क्या है, लेमा आप समझना, लेमा इज द फाइटोमॉर्फोलॉजिकल टर्म रेफरिंग टू पार्ट ऑफ स्पाइकलेट। जो स्पाइकलेट होता है ना उसका एक पार्ट होता है लेमा, ठीक है। किसी किसी में लेमा का एक्सटेंशन ऑन्स वगैरह में भी देखा जाता है, जैसे वीट में, ठीक है। स्क्रैपिंग द क्लोरोफिल एंड लेटर ऑन द मिल्की ग्रेन्स, ठीक है, ये क्लोरोफिल को ख़त्म कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, और मिल्की ग्रेन्स जो बाद में मिल्की स्टेज आता है उन ग्रेन्स को भी डैमेज करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग द वेब्स ऑन मेज कॉब, मेज कॉब के ऊपर क्या करते हैं, जो इनका कैटरपिलर होता है डैमेज करता है। कंस्ट्रक्टिंग वेब ऑन द मेज कॉब, आप देख रहे हो यहाँ पे वेब दिख रहा होगा, ठीक है, और इसी वेब में ये छुपाते हैं अपने आप को, इसी में प्यूपेट करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिंग वेब्स ऑन द मेज कॉब एंड फीडिंग ऑन द फ्लावर्स एंड ग्रेन्स, तो फ्लावर्स एंड ग्रेन्स को ये डैमेज करते हैं, सिमिलर टू द स्टेम बोरर्स, सॉरी स्टेम बोरर्स कह रहा हूँ, जस्ट हमने जो लास्ट डिस्कस किया है ये कॉर्न वॉर्म, ठीक है। अगर बात करें बायोनॉमिक्स, तो एग इज लेड सिंगली, सिंगल सिंगल एग ले किया जाता है ऑन स्पाइकलेट्स और दी ग्रेन्स। हैचिंग 3 से 4 दिन में, लार्वा हैज़ ड्यूरेशन ऑफ 9 to 10 days, ठीक है। लार्वा को अगर देखेंगे तो 12 mm लॉन्ग एंड डार्क ब्राउन होता है, ये देखिए डार्क ब्राउन एंड 12 meter लॉन्ग होता है, 12 mm लॉन्ग होता है। इट फॉर्म्स सिल्कन वेब्स ऑन कॉब्स एंड रिमेन इनसाइड देम, ये थ्रेड बनाता है, सिल्कन वेब्स बनाता है और उसी के अंदर रहता है और फिर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट इज 7 mm अक्रॉस विंग्स विथ डार्क ग्रे फोर विंग, ठीक है। लाइफ साइकिल जो है 22 से 24 days का होता है। मैनेजमेंट, स्प्रे मोनोकॉर्टोफॉस 36 SL और इंडोसल्फान 35 EC 1 liter पर हेक्टेयर हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फिफ्थ मेजर पेस्ट, जो कि है वेब वॉर्म। नेक्स्ट इज द एफिड्स, ये बहुत ही कॉमन पेस्ट है, लेकिन ये मेजर पेस्ट है वीट का, सॉरी मेज का। द नेक्स्ट जो पार्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑल सॉर्गम ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ जहाँ पे सॉर्गम लगाया जाता है वहाँ पे ये प्रेजेंट है, यानी कह सकते हैं इसका जो होस्ट है वो सॉर्गम भी है। तो होस्ट इन सॉर्गम, मेज एंड रागी। डैमेज सिम्टम, कॉलोनीज ऑफ
एफिड्स आर सीन इन सेंट्रल लीफ होल स्टेम्स एंड पैनिकल्स. यंग एंड एडल्ट सक द प्लांट जूस. ठीक है, जब जूस को सक कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, येलोइंग होगा, मॉटलिंग ऑफ द लीव्स होगा एंड मार्जिनल लीफ नेक्रोसिस यानी डैमेज ऑफ द यानी खत्म हो जाना. ठीक है, क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, येलोइंग, एंड नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ सेल्स. ठीक है, अबंडेंस ऑफ हनी ड्यू ऑन विच मोल्ड्स ग्रो. हनी ड्यू क्या होता है, सिक्रीशन होता है बहुत ही स्वीटेस्ट सब्टांस का. ठीक है, तो जिसके ऊपर मोल्ड्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. इन पैनिकल्स हनी ड्यू में हिंडर हार्वेस्टिंग. पैनिकल्स में अगर हनी ड्यू हो गया तो हनी ड्यू अगर हो जाता है तो हार्वेस्टिंग को क्या करता है, हिंडर करता है, लेट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है. द एफिड ऑल्सो ट्रांसमिट मेज ड्वार्फ मोजाइक वायरस. ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, जो एफिड होता है मेज ड्वार्फ मोजाइक वायरस को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. बायोनॉमिक्स है तो आप बायोनॉमिक्स में बस ध्यान रखना एफिड्स होंगे, दो तरीके के एफिड्स होते हैं. तो एक एफिड इज डार्क ब्लूइश ग्रीन, और अगर शुगर केन वाले अगर एफिड्स होंगे, मतलब शुगर केन में भी जो लगते हैं, तो शुगर केन एफिड इज येलो टू बफ कलर. ठीक है, मैनेजमेंट, स्प्रे द बेस ऑफ अटैक प्लांट विथ कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स लाइक डाईमिथोएट 30EC. ठीक है, मतलब आपको पता होगा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड क्या होता है, और कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट पे ही मार देता है इंसेक्ट्स को, सिस्टेमिक जो उनके सिस्टम में जाके उनको किल करता है. ठीक है, तो वो हमें यूज़ करना है. तो हमने 6 पेस्ट कंप्लीट कर लिए मेजर. जो लास्ट है वो है 7th, सूट बग. बिलोंग करता है हेमिप्टेरा से. ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा है ये सूट को क्या करेगा, डैमेज करेगा. डिस्ट्रीब्यूशन कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. होस्ट रेंज सॉर्गम, मेज, राइस एंड मिलेट्स. डैमेज सिम्टम कॉज बाय द एडल्ट्स एंड निम्स विच सक अप द सैप फ्रॉम देम. ठीक है, ये क्या करते हैं, सैप को सक कर लेते हैं. द अटैक प्लांट्स बिकम अनहेल्दी, स्टंट एंड येलो. आप देख सकते हो ये अटैक प्लांट है. ठीक है, ये भी अटैक प्लांट है. द लीव्स विदर फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स. झड़ना स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ. पैनिकल्स फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड. पैनिकल्स ही नहीं बनेंगे तो ग्रेन्स कहाँ से होंगे फिर. ठीक है, एंड प्लांट्स डाई अगर अटैक इज सीवियर. द अटैक जब ज़्यादा अगर हो गया तो प्लांट डाई कर जाएगा. हनी ड्यू सिक्रेटेड बाई द बर्ग कॉजेज ग्रोथ ऑफ सूटी माउल्ड ऑन द लीव्स. ठीक है, और जो इसका मैनेजमेंट है सिंपल है, स्प्रे करना है 500 ml ऑफ डाई मिथोएट 30EC और मिथाइल डेमेटॉन 25EC इन 500 L ऑफ वाटर पर हेक्टेयर. तो आई होप आपको ये 7 मेजर पेस्ट जो हैं, जिनका बेसिक मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो गाइज, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इस लेक्चर में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए. आपको हर PDF, हर PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दे दिया है, गो फॉर एग्रीकल्चर. आप हमारे वेबसाइट www.goforagriculture.co.in से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. सो गाइज, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लो. अगर किसी को इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है. तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.